अम्बाला शहर में नगर निगम और पुलिस की ओर से मिलकर शहर के कई बाजारों में ऑपरेशन क्लीन अवैध अतिक्रमण चलाया गया। इस दौरान शहर के विभिन्न बाजारों में पुलिस और निगम की टीम ने कार्रवाई कर दुकानों के बाहर पड़े बोर्ड और सामान को जब्त किया। वहीं दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि अगर कल भी सामान ऐसे ही बाहर पड़ा मिला तो उसे भी जब्त कर लिया जाएगा। त्योहारों के सीजन में अक्सर अम्बाला के बाजारों में भीड़ बढ़ जाती है और बाजार के छोटे से रास्ते को पार करने में अम्बाला की जनता को काफ़ी समय लग जाता है। बाजारों में भीड़ बढ़ने का कारण दुकानदारों की ओर से किया गया अवैध अतिक्रमण भी होता है। इसी अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए अम्बाला शहर में आज नगर निगम और पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। शहर के अंबिका माता मंदिर से लेकर पूरी कपड़ा मार्केट तक पुलिस की ओर से ऑपरेशन क्लीन अवैध अतिक्रमण चलाया गया। इस दौरान दुकानों के बाहर पड़ा सामान जब्त किया गया और कई दुकानदारों को चेतावनी भी दी गई। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। मैम, आज हमने अपनी टीम के द्वारा पहले तो इनको अनाउंसमेंट करवाई, इनको चेतावनी दी कि अपना अपना सामान सारा अंदर रख लें। सुबह हमने 9 बजे अनाउंसमेंट शुरू करवा दी थी, 12 बजे तक अनाउंसमेंट करवाई। अनाउंसमेंट करवाने के बाद हमने इनको बोला था कि 2 बजे अपना सामान सब लोग अपने अंदर रख लें। किसी भी दुकानदार ने कोई कोऑपरेट नहीं किया और किसी ने अपना सामान अंदर नहीं रखा, तो इस कारण प्रशासन को भी किसी को भीड़ में दिक्कत ना आए, रिपब्लिक परेशान ना हो, तो इसलिए ये कार्रवाई करनी पड़ी। ये कार्रवाई तो शुक्लकुंड रोड पर हो रही है, अंबिका मंदिर पर हुई है और एक टीम हमारी मानव चौक जलबेड़ा रोड पे कार्रवाई कर रही है। अभी दुकान वाले को अल्टीमेट दे दिया, इसने 1 घंटे का टाइम मांगा है, अगर 1 घंटे के बाद इसका सामान हमें मिलता तो सारा जब्त कर दिया जाएगा। जी मैम, सामान भी जब्त किया गया है, टेबल टूबल पड़े थे वो टेबल उठवाया हमने, हमारी ट्रक ट्रॉली में पड़े। सर ने टाइम मांगा है कि 1 घंटे का भी हम सामान अपना अंदर रख लेंगे, चलो किसी का नुकसान ना हो 1 घंटे का इनको टाइम दे दिया, अगर कल को हमारी टीम आती है तो किसी के साथ कोई यानी कि वो नहीं होगा, अभी सबका सामान जब्त। चलान भी करेंगे मैम, कल से चलानिंग भी शुरू होगी, चलानिंग भी करेंगे। बाजारों में अवैध क्रमण को लेकर नगर निगम के द्वारा आज कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जब नगर निगम के साथ पुलिस पार्टी कपड़ा मार्केट और शुक्लकुंड रोड पे पहुंची है तो दुकानदारों ने अपील किया कि हम दोबारा सामान बाहर नहीं लगाएंगे, हमें आज आज का टाइम दिया जाए। जो नगर निगम इंस्पेक्टर साथ है उन्होंने कहा कि चलो आज का टाइम दिया जाता है, कल अगर ये लगाते हैं तो इनका सामान जब्त किया जाएगा। निगम के द्वारा पहले भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन निगम ने ये बोला था भाई आप अपना सामान अंदर कर लो, लेकिन उन्होंने त्योहारों को देखते हुए फिर भी उनको 1 दिन का समय और दिया। उस दुकानदार ने अपनी गलती मानी है, उसने ये था भाई यहाँ से रास्ता नहीं है, इसलिए उसने टेंट लगाया तो उसने टेंट खोल दिया है और वो दोबारा से वो टेंट नहीं लगाएगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, दुकानदार सहमत है भैया, अच्छा हो रहा है, कोई ऐसी बात। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।